दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास इंटरव्यू और आरएस मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगी, पश्चिमी राजस्थान की समस्याएं, उनका क्या समाधान हो सकता है और वहाँ विकास के कौन कौन से क्षेत्र है और कुछ पर्टिकुलर जिलों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपको इसी तरह से ही जवाब इंटरव्यू में भी देना है, जिस तरह से जिस भाषा में अपन बोलेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज, वो है पश्चिमी राजस्थान की समस्याएं। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम समस्याओं की बात करें तो हम इसको किस कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपने एक तो पहले तो अपन ने ले लिया भौगोलिक समस्याएं क्या है, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आप ऐसे बताओ, अलग अलग भौगोलिक बता दो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरह से बताने हैं आपको। भौगोलिक समस्याओं में आज हम देखें पश्चिमी राजस्थान की सबसे जो बड़ी समस्या है वो आपकी है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, पवन के साथ बालू ट्यूबों का स्थानांतरण या बालू मिट्टी का जो स्थानांतरण होता है उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत आज पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के भी कुछ राज्य भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपके सेप्टेम्बर 2019 में COP14 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, UNCC डी, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो उसमें भी ये हुआ कि लगभग 29.33% जो भाग है भारत में वो मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है आपके। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके है मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण, मरुस्थलों का जो विस्तार हो रहा है उसके कारण जो कृषि योग्य भूमि है वो आपके कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अब इसका समाधान क्या है, तो साथ साथ में आप समाधान भी बता दो इसके लिए क्या है। जैसे अपन परंपरागत समाधान वृक्षारोपण वगैरह है, बाढ़ बंदी है, मेड़ बंदी है, इस तरह के जो तरीके हैं वो आपको बताने हैं। साथ ही जैसे इस क्षेत्र में नहरी क्षेत्र हो गया आजकल ये, तो वहाँ पर चारागाहों का विकास किया जा सकता है, ग्रीन जो बेल्ट है वो डेवलप की जा सकती है नहरी पानी का प्रयोग करके, तो उससे भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और सरकारी तौर पर जो आपके प्रयास है DPAP, DDP, तो इस तरह के जो आपके हैं उनको भी आप बता सकते हो। 74, 75 और 78 में जो ये कार्यक्रम शुरू हुए थे, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम और सूखा विकास आपके कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तो इनमें जो जो चीज़ें हैं आपके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर को ठीक करने के लिए, इस क्षेत्र में जो है हरित पट्टी या आपके वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार की जो सुविधाएं हैं लोगों को वो दी जाए, तो इस तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये है, भारत भी UNCCD का सदस्य है और वो भी मरुस्थलीकरण के रोकने के जितने भी कन्वेंशन है उनमें भारत भी एक सदस्य बन के इस दिशा में प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ बतानी है, तो अपन मरुस्थलीकरण के बारे में ये बता सकते हैं। दूसरी जो भौगोलिक समस्या जो आपके पश्चिमी राजस्थान की है वो नहरी सिंचित क्षेत्र है और उसमें आपको बतानी है, इसमें वाटर लॉगिंग जो मुख्यतः आपके सेम की समस्या, जिप्सम की परत है, पानी नीचे जा नहीं पाता, तो दलदली क्षेत्र जो है वो निर्मित हो गया जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं। तो नहरी सिंचित क्षेत्र में एक तो सेम की समस्या है और एक भूमि का आपके लवणीय होना, लवण जो है वो केशिका तत्व के कारण ऊपर आ जाते हैं, और एक आप के अम्लीय होना जो रासायनिक उर्वरकों और इनके प्रयोग से जो भूमि है वो आपके एसिडिक हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी इस क्षेत्र में है, तो इसमें पानी जो है उसके ओवरफ्लो या अतिरिक्त प्रवाह को रोक के इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ड्रिलिंग की जा सकती है सेम की समस्या के लिए, और कुछ विशेष जो ऑस्ट्रेलिया के पौधे हैं उनको यहाँ पर पनपा कर उस पानी को आपके कम किया जा सकता भूमि में। लवणीयता के लिए आप सभी जानते हो जिप्सम का प्रयोग होता है क्षारीयता के लिए, और रॉक फॉस्फेट जो है वो अम्लीय भूमि के उपचार के लिए काम में आता है। तो दूसरी जो पहली समस्या हमारी मरुस्थलीकरण है, दूसरा जो है वो आपके भौगोलिक समस्याओं में नहरी सिंचित क्षेत्र और उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है, तीसरा जो है आपके भूमिगत जल स्तर, और इसमें हम लिख सकते हैं पेयजल
की समस्या या सिंचाई की समस्या, जो नहरी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर, और उन क्षेत्रों में भूमिगत जो जल स्तर है, सारा इलाका आप जानते हो डार्क जोन में है, भूमिगत जल स्तर बहुत ज़्यादा गहराई मिलता है, या वो और यह जो मिल रहा है उसमें आपके लवणता की मात्रा ज़्यादा है, खारा पानी है, लवणीय है, फ्लोराइड की मात्रा है, और इसके कारण भी कई समस्याएं, कई बीमारियां उत्पन्न होती है। तो पेयजल की समस्या, भूमिगत जल स्तर का नीचे होना और सिंचाई के लिए पानी का उपलब्ध नहीं होना भी एक बड़ी समस्याओं में से एक है। तो भौगोलिक समस्याओं में अपन ऐसे कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण ये और ये, इसके लिए वाटर सेट मैनेजमेंट है आपके, दूसरा रिचार्ज करना, भूमिगत पानी का पुनर्भरण करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो अपन इसमें बता सकते हैं। और परंपरागत जो जल के साधन है आपको पूछ सकते हैं कौन से है, टांके हैं, नाड़ियाँ है, तालाब है, तो वो आपको बताने हैं कि उनसे भी पानी का स्टोरेज किया जाता है आपके। तो इस तरह की जो चीज़ हमें यहाँ बतानी है, मरुस्थलीकरण, नहरी सिंचित क्षेत्र और भूमिगत जल स्तर का नीचे होना, भौगोलिक समस्याओं में आपके ये है। फिर ये दूरदराज इलाका फैला हुआ है तो कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे कम है आपके, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण संचार का जो तरीका है वो आपके कम है, तो इस वजह से आपके कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मुख्य धारा में ये जो क्षेत्र के लोग हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो इस तरह की बात भी हम बोल सकते हैं। तो भौगोलिक समस्याओं में आपको ये चीज़ें बतानी है कि इस तरह की जो समस्या पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देती है। दूसरी जो समस्या है आपके आर्थिक समस्याओं में आपको वही बताना है, बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल वगैरह जो उद्योगों में काम आते हैं वो कम मिलते हैं, पानी का भी अभाव है और लगभग बिजली का भी इस क्षेत्र में अभाव है, पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इस वजह से यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या है वो आपके ज़्यादा है। तो आर्थिक में हम सबसे बड़ी जो समस्या वो है बेरोजगारी, फिर आपके बड़े उद्योगों का अभाव है, जिसकी वजह से भी यहाँ रोजगार के जो अवसर है वो आपके कम हो जाते हैं। तो इनके लिए भी हम तरीके बता सकते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम छोटे व लघु उद्योगों का विकास कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या संभावना उसमें आ जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आएगी, तो ध्यान रखना है। अभी यह ध्यान रखना है कि आर्थिक समस्या हमारी ये है, बेरोजगारी, बड़े उद्योगों का अभाव, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोजगार के अवसर कम है और लोगों को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए आपके, तो वो चीज़ हुई आपके। थर्ड जो है हमारा वो है सामाजिक, जनसांख्यिक या सांस्कृतिक समस्या। इसमें आप बता सकते हो सामाजिक पिछड़ापन है, निरक्षरता है, गरीबी है, बेरोजगारी, जो आपके गरीबी एक सामाजिक समस्या भी है, आप इसमें निरक्षरता बता सकते हो, जागरूकता का अभाव है, और पशु चारक और ऐसी जातियां है जिसकी वजह से उनमें पिछड़ापन है अभी भी, वो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, इस वजह से वो जो सरकारी नीतियाँ हैं उन सब का फायदा नहीं उठा पा रहे, इसलिए ये सामाजिक रूप से एक पिछड़ा इलाका है, जैसे जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर अपन कह सकते हैं, तो वो चीज़ है। जनसांख्यिक में आपके यही आ गया, निरक्षरता हो गई आपके, या जो आपके रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कम है, तो इन चीज़ों को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ये मेजर यहाँ के प्रॉब्लम्स है, तो वो हम बता सकते हैं इन क्षेत्रों में कि जनसांख्यिक की समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या जो है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा है, पिछड़ापन ज़्यादा है, रोज आपके जागरूकता का अभाव है, तो ये बातें आपके इसमें आ जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की हम मुख्यतः समस्याएं देखे भौगोलिक, तो मरुस्थलीकरण, सेम की समस्या, फिर आपके हो गई भूमिगत जल स्तर, पेयजल की समस्या, भौगोलिक में ये, आर्थिक में रोजगार का अभाव, उद्योगों का अभाव जिसकी वजह से बेरोजगारी की स्थिति है, फिर आप सामाजिक सांस्कृतिक में पिछड़ापन, निरक्षरता, महिला साक्षरता का कम होना, ये विशेष जो आपके क्षेत्र है जिनमें ये इलाका जो है वो पिछड़ा है, और इन समस्याओं का हम निराकरण कैसे कर सकते हैं, कैसे इनके लिए संभावना है, तो जब संभावना के जो क्षेत्र है उसमें हम कर सकते हैं। अब जैसे इन क्षेत्रों की आपके समस्या, आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको SDM बना दिया जाए आपको पश्चिमी राजस्थान में किसी जगह, तो आप इन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास करोगे। अब सामाजिक समस्याओं में बाल विवाह भी है, मृत्यु भोज भी है, तो आपको वहाँ, आप एक पॉलिसी मेकर नहीं हो, तो आपको ये जवाब देना है कि सर जो भी सरकारी नीतियाँ चल रही है, महिला साक्षरता के लिए जो नीतियाँ चल रही है, नामांकन के लिए जो नीतियाँ चल रही है,
तो उनको मैं भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके और जो नामांकन है वो सुनिश्चित करवाऊंगा स्कूलों में कि वास्तव में प्रॉपर नामांकन का जो तरीका वो सही है या नहीं है। सरकारी स्कूलों के प्रति एक माहौल जो है वो मैं वहाँ पे बनाऊंगा ताकि बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान हो। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आयोजित करवा सकता हूँ। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो साक्षरता के लिए चल रही है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और उनको अच्छे तरीके से लागू करवाऊंगा जिसकी वजह से ये चीज़ें होगी। और जो सामाजिक समस्याएं हैं जैसे बाल विवाह है तो इनके लिए कानून बने हुए हैं, तो मैं जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उस क्षेत्र में उनको साथ बिठा कर उनको ये चीज़ें समझाऊंगा कि ये चीज़ें जो है ये सही नहीं है और इनके कई नुकसान हैं, तो आप इनको रोको। उनको कानूनी जो आपके तरीके हैं वो भी बताऊंगा और उनके जो सामाजिक आर्थिक नुकसान है वो भी बताऊंगा। तो एक तरह से उनमें जागरूकता आएगी क्योंकि बिना समाज के लोगों को साथ दिए हुए कोई भी कानून जो बनाया जाता है तो उससे एक लोगों में आक्रोश पैदा होता है। तो वो समझा इसके जरिए और साथ में कानून का भी भय दिखाकर दोनों चीजें साथ लेकर इन चीजों का जो है वो निराकरण किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें अपन बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में, इस तरह की चीजें बतानी है कि जो भी प्रॉपर सरकारी योजनाएं हैं वो एक SDM का कार्य है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना। और वो काम अगर आप प्रॉपर तरीके से आप भी करोगे, आपको ये नहीं कहना कि लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ अधिकारी उनमें से वहाँ साक्षात्कार बोर्ड में भी बैठे हो तो एक तरह से ये उन पर आरोप हो गया। तो आपको ये नहीं कहना है कि बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी अपना प्रॉपर तरीके से काम करूँगा और कुछ ऐसे इनोवेशन भी मैं इस क्षेत्र में लाऊंगा जिसकी वजह से जैसे गांव के लोगों के साथ वार्ता करना, समय मिला तो उनके साथ एक चौपाल, जो चौपाल वगैरह आजकल चौपालों का आयोजन होता है उसमें जाना, लोगों को साथ लेके बातें करना, तो इस तरह की जो चीज़ें होगी तो एक उस तरह से अच्छा माहौल जो है वो मैं पैदा करूंगा। तो इस तरह की बात बतानी है आपको। रोजगार के लिए आप क्या कर सकते हो तो हम आगे बताएंगे कि भाई कौन से संभावना के क्षेत्र है उसमें कार्य किया जा सकता है। इसके लिए जो है ये प्रॉपर जो आपके रिचार्जेबल के लिए या परंपरागत जो जल के साधन है पश्चिमी राजस्थान में उनका वापस विकास किया जाए, उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार की जाए, क्योंकि एक SDM होने के कारण आप इनके बारे में सरकार को अवगत करा सकते हो। आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो लेकिन उन चीज़ों को बता सकते हो, तो वो आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मरुस्थल विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनका प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन वो आप कर सकते हो, तो इसके वो आप वहाँ पे अपनी मदद दे सकते हो। तो इस तरह से आप प्रशासन में अपनी भागीदारी निभा सकते हो, इस विकास में अपनी भागीदारी एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर निभा सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ है वो तो आपकी हो गई पश्चिमी राजस्थान की समस्याएं। अब जो आपके पूछेंगे हमें कि पश्चिमी राजस्थान की इन समस्याओं का क्या निराकरण है, तो निराकरण अपन ने कुछ का बताया और कुछ का हम संभावनाओं में पढ़ेंगे। निराकरण मरुस्थल का निराकरण हो गया, बाकियों का मैंने आप लोगों को निराकरण बताया, बाकी जो रोजगार वगैरह है तो वो आपको हम देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास की संभावना है, कौन से क्षेत्रों में विकास किया जाए जिससे यहाँ पे रोजगार के साधन मिल सकते हैं, लोगों में खुशहाली आ सकती है। तो आपको संभावना के क्षेत्र में जैसे यहाँ पे नर्मदा नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर भी है, तो एक तो नहरी क्षेत्र है और नहरी क्षेत्र में वर्तमान में जो है आपके सबसे पहले हम कृषि उत्पादों को ले तो, और आपके दूसरा है फल उत्पाद, तो ये एक क्षेत्र है जो आपके सबसे बड़ा क्षेत्र है अब यहाँ पे डेवलप हो सकता है कृषि उत्पाद में, नहरी क्षेत्र में, सिंचाई में। और कृषि उत्पादों पर हम ऐसे इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं जो ज्यादातर आपके फूड प्रोसेसिंग की है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और इसमें नई नीतियां भी अभी बनाई जा रही है तो वो आपके चीजें डेवलप की जा सकती है। कृषि उत्पाद है इस क्षेत्र में अलग अलग होते हैं आपके जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, जो आपके ग्वार है, मोठ है, मूंग है, कृषि उत्पादों में मुख्यतः यहाँ पर जैसे बाकी इलाके वहाँ गेहूं की भी खेती हो रही है, राजड़े की खेती भी हो रही है, तो आप जीरा भी है, तो ये इन पे आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, टमाटर भी है आपके, मिर्चे भी है, तो इस तरह से ये चीजें बता सकते हो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जा सकता है जिससे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और दूसरा जैसे नहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे अभी अनार की खेती विशेष तौर से हो रही है, तो इनसे आप इन चीजों के बारे में भी बता सकते हो। फूलों की खेती इन क्षेत्रों में की जा रही है तो फल फूल अनार ये जो चीजें हैं आपके, तो वो कृषि उत्पाद फल उत्पाद में आपके आगे हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में, तो
तो इन चीजों को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। पहला तो आपके ये, इससे पेयजल की समस्या, पानी जो खारा है पीने के लिए उपलब्ध है, उस समस्या से भी निजात मिल सकती है, तो वो सारी बातें आपके इसमें बता सकते हो। दूसरा जो है, हाँ, इससे सेम की समस्या उत्पन्न होगी, आपको काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप कहो कि प्रॉपर तरीके से पानी का अगर उपयोग किया जाए तो उस समस्या से भी काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। दूसरा जो मेन जो क्षेत्र है आपके, जहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं, तो वो है आपका पशुपालन और दुग्ध उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, जो पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय भाग में ऊन वगैरह के लिए, मांस उद्योग के लिए या डेयरी प्रोडक्ट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका विकास करके या इस पर प्रॉपर ध्यान देके, हालांकि अभी भी इस क्षेत्र में विकास किया गया, आपको बताना है उर्मूल वगैरह क्या है, वर्मूल क्या है, कहाँ पे डेयरी प्लांट है, लेकिन नस्ल सुधार करके, क्योंकि यहाँ परंपरागत नस्लें मिलती है राजस्थान में, जैसे राठी है, थारपारकर है, कांकरेज है, तो इस तरह की जो पर्टिकुलर नस्ल जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, उनका नस्ल सुधार करके और इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है। भेड़ पालन, ऊँट पालन, और वापस इन क्षेत्रों को भी बढ़ाकर चारागाह का विकास करके, नहरी क्षेत्र के कारण यहाँ पर हम रोजगार के नए अवसर और सृजित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्षेत्र जो है वो आपके ये हुआ। तीसरा जो है हमारा जो मेन क्षेत्र जो इस भाग में है वो आपके, जिसके लिए अपार संभावनाएं अभी भी मौजूद है और यहाँ पे विकास भी हुआ है काफी, आय का भी एक प्रमुख स्रोत है पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन जो उद्योग है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी उसकी संभावनाएं है, अब नहरी क्षेत्र होने के कारण पानी की भी कमी नहीं रही, तो पर्यटकों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है। पुराने जो विरासत स्थल है, प्राकृतिक धरोहरें भी है हमारी और आपके सांस्कृतिक धरोहरें भी है, तो उनमें इन पर्यटकों को, देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके हम यहाँ रोजगार के और अवसर सृजित कर सकते हैं। पर्यटकों की जो समस्याएं है, लपका वगैरह इस तरह की, अगर उनका प्रॉपर तरीके से निदान होता है तो पर्यटकों को आने में कोई समस्या नहीं है और वो एक आय का बहुत बड़ा स्रोत आगे भी आपके डेवलप हो सकता है, तो आप इसमें बता सकते हो टूरिज्म इंडस्ट्री। चौथा जो है आपके रिफाइनरी है, पेट्रोलियम के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार इस क्षेत्र में मिल रहे हैं, और जितनी जल्दी रिफाइनरी की स्थापना होगी तो आपके यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और रिफाइनरी पर और कौन से उद्योग होते हैं, तो रसायन उद्योग होता है आपके, केमिकल इंडस्ट्री होती है, रासायनिक उर्वरक उद्योग होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेफ्था जो होता है एक बाय प्रोडक्ट उस पर, तो इस तरह के और उद्योगों की एक चैन बन जाएगी, तो इससे लगभग पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र जो है इन रिफाइनरी के कारण आपके कवर हो जाएगा, तो उसके कारण भी यहाँ विकास की संभावनाएं और बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। फिर आपके कुछ उद्योग है पर्टिकुलर, एक तो मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है, फिर यहाँ पे जैसे जैसलमेर में, सोनू में सीमेंट आपके ये चूना पत्थर मिलता है, तो सीमेंट कारखाना जो है वो अब नहरी सिंचाई के कारण पानी की कमी नहीं है, तो इसका भी, और अब क्योंकि संचार के साधनों का भी विकास हो गया, ट्रेनें भी चलती है, तो ये जो है आपके इसकी दिशा में भी पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो उद्योगों में हम ये देख सकते हैं, वापस आपके कुछ खनिज मिलते हैं जैसे लिग्नाइट है, तो थर्मल पावर प्लांट वगैरह हम डेवलप कर सकते हैं, उससे भी ऊर्जा की ज़रूरतें भी पूरी होगी, रोजगार का भी सृजन होगा, तो इस तरह की चीज़ें। और छठे नंबर पे हम ये कह सकते हैं, और उद्योगों में जो आपके हस्तकला है, आपको ये ध्यान रखना, जो परंपरागत उद्योग है उन उद्योगों का वापस एक तरह से प्रॉपर तरीके से उनको वापस पुनरुद्धार की जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर हो सकते हैं। वापस जैसे कहीं मिलें बंद पड़ी है या सूती कपड़ा मिले हैं, उनको वापस एक्टिव करने की आवश्यकता है, तो वो भी आपके एक एरिया है जिसमें राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में नए क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। फिर इसी तरह सौर ऊर्जा है, जो गैर परंपरागत स्रोत है आपके, पवन ऊर्जा है, ये ऐसे संभावना के क्षेत्र है। आप पूछ सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में विकास कोई 5 संभावित क्षेत्र बताओ, तो आपको ऐसे बताने हैं कि ये है जहाँ पर संभावना है, रोजगार के अवसर वहाँ पे मजबूत हो सकते हैं और लोगों को रोजगार मिल सकता है और इन चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। हस्तकलाएं हैं, आपके लोक गायन हैं, इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें भी वापस उनका पुनरुद्धार करने की ज़रूरत है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और उन कलाकारों को भी संरक्षण मिलेगा, तो वो भी एक तरह से आत्मनिर्भर होंगे। तो इस तरह से हम
इस क्षेत्र को एक तरह से सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान को यहाँ से माइग्रेशन रोका जा सकता है, जो दूसरे क्षेत्रों में लोग रोजगार के लिए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर इस पूरे के पूरा एक प्रोजेक्ट बना के और इसमें काम कार्य किया जाए। आप SDM हो तो आप कहो कि सर जो भी योजना इन क्षेत्रों से रिलेटेड चल रही है या पे जहाँ कुछ थोड़ा बहुत नया करने की ज़रूरत है जो एक SDM रहते हुए मैं कर सकता हूँ तो वो कार्य करूँगा, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं वो और मजबूत होगी और उनमें मेरा भी योगदान रहेगा। तो इस तरह से आपको ये बातें बतानी है। तो ये आपका एक हुआ। फिर परंपरागत उद्योगों में जैसे ग्रेनाइट उद्योग है, स्टोन उद्योग है, पत्थर उद्योग है, तो ये भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ उद्योग है जो चल रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन उद्योगों पर भी थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकी प्रदर्शनी ग्रेनाइट वगैरह की देश विदेशों में और उसको बढ़ावा दिया जाए, स्टोन मार्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो इससे एक तरह से लोग आकर्षित होंगे, निवेश के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई समस्या अपने यहाँ नहीं है। तो वहाँ पे निवेश के लिए अगर इस तरह की चीज़ें की जाए तो निवेश को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। रिसर्जेंट राजस्थान जैसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी हम निवेशकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं इन क्षेत्रों में भी। तो ये आपको बतानी है कि ये समस्याओं समाधान भी यही है और ये संभावित क्षेत्र हुए। फिर आपको पर्टिकुलर जैसे जिलों के बारे में पूछ ले कि जैसलमेर के बारे में आप बताओ क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में हम इन्हीं जिलों को लेंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बाकी मध्य राजस्थान, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, इस तरह से पूरा राजस्थान की ये जो समस्या है वो हम करेंगे। तो आपको जैसे जैसलमेर के लिए पूछ लिया जाए, समस्याएं जो बताई वो तो कॉमन सभी लागू होती है जैसलमेर के लिए। क्षेत्रों में जैसलमेर में संभावित क्षेत्र जो है आपके, आपको सारे प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, वही पशुपालन, उद्योगों में जैसे पत्थर स्टोन इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग। तो जैसलमेर में आप अगर जैसलमेर जिले के हो तो आपको पूछा जा सकता है कि जैसलमेर में कौन कौन से संभावित क्षेत्र हो सकते हैं, तो आपको ये बताने। समस्याएं तो हमने तो बताई वो कॉमन है, संभावित क्षेत्रों में आप ये बता सकते हो कि सर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं तो उसके दोहन और उसमें और ज़्यादा खोज और अन्वेषण की ज़रूरत है, तो उसे जैसलमेर जिले में काफ़ी बहुत बड़ा जो गैस का हब बन सकता है। सोलर और पवन ऊर्जा के लिए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। पर्यटन, जैसलमेर परंपरागत पर्यटन का केंद्र रहा ही है और इस क्षेत्र में भी ज़्यादा विकास की अभी भी अवसर है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो आपके कृषि उत्पाद है उन पे, पशुपालन, डेयरी, भेड़ पालन, ये सारा यहाँ पे है, और पत्थर और सीमेंट उद्योग है आपके। तो इस तरह से आप जैसलमेर के बारे में बता सकते हो। आपको बाड़मेर के बारे में बताना है तो आप बाड़मेर में बताओ रिफाइनरी, एक जो आप है लोक कला, ये ध्यान रखनी है जो पश्चिमी राजस्थान में है, तो इनके बारे में आपको बताना, लोक कलाएं उनका प्रोत्साहन। तो आपके एक तो रिफाइनरी सबसे बड़ा बाड़मेर में जो संभावना है वो आपके ये है। फिर कुछ परंपरागत उद्योग है जैसे बालोतरा में है वस्त्र, रंगाई, छपाई उद्योग, इन उद्योगों को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो आपके यहाँ पर विकास की संभावनाएं। बाकी कई चीज़ें जो है कॉमन है, पर्यटन भी कॉमन है, सौर ऊर्जा भी कॉमन है, आपके पवन ऊर्जा भी, खाद्य प्रसंस्करण भी है, और नर्मदा नहर वगैरह, और ये नहरों के कारण यहाँ पे अनार जो है वो आपके जालौर और बाड़मेर में अभी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो ये है सिवाना का ग्रेनाइट पत्थर है, पत्थर उद्योग के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। और तीर्थ स्थल जो है जैनों के नाकोड़ा, और आप ये बताओ कि तीर्थ स्थल सिवाना वगैरह में, तो वहाँ पर भी आपके ये चीज़ें आ सकती है। तीर्थ स्थलों में जो एक देशी पर्यटक है उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से बाड़मेर के बारे में आप बोल सकते हो। जालौर में आपको पूछे समस्याएं तो वही है जो अपन ने बताई, कॉमन सब इन जिलों की, और संभावित क्षेत्रों में जालौर में जो है आपके इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जैसे ग्रेनाइट उद्योग है और कुछ परंपरागत जैसे जूता वगैरह मोजड़िया बनती है, इस तरह के जो उद्योग है घरेलू उद्योग, उनको प्रोत्साहन और संरक्षण देने की जरूरत है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं जालौर में रायलो ग्रुप की जो चट्टाने हैं ग्रेनाइट मिलता है। दूसरा जो है आपके कृषि,
या जिसको हम बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु इकाइयां स्थापित हो सकती है। अब यहाँ पर भी अनार की खेती जालौर में भी हो रही है। तीर्थ स्थल सुंदा माता पर्यटन स्थल के रूप में, जैसे आपके 72 जिनालय भीनमाल में ऐसे जो स्थल है, तो यहाँ पर भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। तो पर्यटन एक प्रमुख केंद्र है जालौर में। तो आपको बताना कि इंडस्ट्री ये है, पर्यटन ये है, और आपके हो गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन। यहाँ पर भी जो जातियां रहती है, जैसे देवासी जाति है, तो वो परंपरागत पशुपालक रहे हैं, तो उनके विकास के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो यह क्षेत्र भी है आपके, नर्मदा नहर आने से चारागाहों का विकास हो सकता है। तो पशुपालन और दुग्ध जो है व्यवसाय, एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में जालौर में उभर सकता है। तो इस तरह से आपको जालौर की बातें बतानी है। इसी तरह जोधपुर में ये सारी की सारी चीजें लागू होती है, लोक कलाएं वगैरह, इन सभी चारों जिलों में। जोधपुर में आपके ये हो गई उद्योगों में, जो जोधपुर के परंपरागत उद्योग है, रंगाई छपाई के उद्योग, वो आपके उनके बारे में आप बताओ, उनके उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण में टमाटर है, मिर्चे हैं, ये जोधपुर में है। जालौर में इस बगोल है, जीरा है, टमाटर है। तो इस तरह की जो चीजें कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण में आपको बतानी है। तो एक तरह से अपने इन जिलों के बारे में, जहाँ जहाँ संभावित क्षेत्र वो अभी पश्चिमी राजस्थान में ये है, तो आपको ये बताने हैं कि इन इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इनमें और ज्यादा अवसर है और उनको एक्सप्लोइट किया जाए, तो यहाँ पर विकास की जो समस्याएं हैं वो आपके दूर हो सकती है, रोजगार के अवसर यहाँ पे मजबूत किए जा सकते हैं, और इन क्षेत्रों से जो एक तरह से पलायन होता है जो आपके कार्मिकों का दक्षिण भारत में, और उनको हम कम करके यहीं पर रोजगार की सुविधाएं जुटा सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमें बतानी है, इन जिलेवार आपको पूछ सकते हैं। सामान्य आप कॉमन चीजें ध्यान रखो तो वो चीजें आपके इसी सीक्वेंस में आ जाएगी। आप बताओ कि भौगोलिक ये है समस्याओं में, जैसे अपन ने क्रम बताया, और संभावनाओं में आप देखो कि पहले उद्योग कौन सा है, परंपरागत कौन सी ऊर्जा के साधन है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है, और फिर पशुपालन। आप ऐसे बताओ कि सबसे पहले पशुपालन, फिर कृषि, फिर उद्योग, और उद्योगों में पर्यटन वगैरह, खाद्य प्रसंस्करण और ये सब आ गए, और फिर लोक कलाएं वगैरह, और आपके हस्तकलाएं हैं, छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है। तो ये एक पूरा आपका जो है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम ये चीजें कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगली क्लास में इसी तरह हम पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, इनके उत्तरी राजस्थान के बारे में भी, इस तरह की होगी तो आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा। और एक जो है आपके लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का एक मैंने फॉर्मेट तैयार किया है इंटरव्यू वालों के लिए, तो वो आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, नाम से सबसे एक पूरा का पूरा उस पर तैयार किया हुआ है, तो वो आज शाम तक आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू।